गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल। अपन क्लास 12 के अंदर चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज कर रहे थे। अपन ने कुछ फॉर्मूले लिखे थे पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन करने के, तो आज अपन उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपनी एक्सरसाइज है वो x
ये 0 माइनस 1 प्लस 1 अपने पास क्या आएगा 3 माइनस 1 माइनस माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 तो a इक्वल टू आ गया 1 a की वैल्यू आ गई b की वैल्यू आ गई तो अपने पास क्या आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 इनटू x माइनस 2 इज इक्वल टू a की जगह पे क्या लिखते हैं 1 dx अपॉन x प्लस 1 प्लस b की जगह पे 2 2 dx अपॉन x माइनस 2 यहां पे इसका इंटीग्रल हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस 2 log x माइनस 2 प्लस b 2 ऊपर चला जाएगा पावर में तो log x प्लस 1 प्लस log x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस log a प्लस log b क्या होता है log a b तो ये आ जाएगा log x प्लस 1 into x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये था नेक्स्ट क्वेश्चन 4th क्वेश्चन है अपने पास 3x माइनस 2 x प्लस 1 का स्क्वायर इनटू x प्लस 3 पार्शियल फ्रैक्शन अलग अलग करते हैं dx माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर इनटू x प्लस 3 इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस एलसीएम लेंगे एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा dx माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर इनटू x प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर इनटू x प्लस 3 यहां तो ले a इनटू x प्लस 1 इनटू x प्लस 3 प्लस b इनटू x प्लस 3 एंड c इनटू x प्लस 1 का स्क्वायर ये वाली चीज से ये वाली चीज कैंसिल तो अपने पास क्या आ जाएगा dx माइनस 2 इज इक्वल टू a इनटू x प्लस 1 x plus b plus b into x plus b plus c into x plus b का square अब अपन यहाँ पे x की वैल्यू को करते हैं x equals to करते हैं minus 2 3 into minus 1 minus 2 ये 0 ये 0 यहाँ पर आते हैं 3 minus 1 plus 3 minus 3 minus 2 minus 5 2b equals to minus 5 upon 2 when x is equal to minus 3 3 into minus 3 minus 3 अब minus के लेंगे तो ये चीज 0 and c minus 3 plus 1 का स्क्वायर minus 9 minus 2 minus 2 का स्क्वायर minus 2 का स्क्वायर निकाल दें 4 9 plus 2 minus 11 4 c c equals to minus 11 upon 2 third x equals to 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा minus 2 is equals to यहाँ पे आ जाएगा 8 1 into 3 3 plus 3 b plus अपने पास इसकी वैल्यू है b और c की वैल्यू है तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं minus 2 is equals to 8 plus b b यहाँ पे जाएगा minus 15 upon 4 minus c की वैल्यू minus 11 upon 4 तब कोई इधर है minus 2 plus 15 upon 2 plus 11 upon 4 is equal to 8 LCM लिखने 4 आएगा 4 to the 8 30 11 3 तो 11 में से 8 है तो अपने पास कितना है 3 3 और 15 3 क्लियर है बात अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं इंटीग्रल ऑफ डी एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर इनटू
x plus 3 dx is equal to a की वैल्यू है 11 upon 4 dx upon 3 के नीचे क्या है x plus 1 x plus 2 b की वैल्यू minus 5 by 2 dx upon b के नीचे क्या है x plus 1 x square c की वैल्यू minus 11 upon 4 dx upon c के नीचे क्या है x plus 3 इंटीग्रल करते हैं तो 11 upon 4 log x plus 1 minus 5 upon 2 1 upon x square इंटीग्रल क्या minus 1 upon x तो यहाँ पे क्या लिखेंगे minus 1 upon x plus 1 minus 11 upon 4 log x plus 3 plus तो log a इन दोनों में ऐड करके कौन कौन आ गया क्या हो गया log x plus 1 minus log x plus 3 plus 5 upon 2 into x plus 1 plus c ये हो गया 11 upon log a minus log b log a upon b log x plus 1 upon x plus 3 9 plus 5 upon 2 x plus 1 plus ये था बात इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट था। अब इसका जो तुम्हारा होमवर्क है वो है एग्जांपल नंबर 21